हेलो दोस्तों, निफ्टी 50 में कल 25 जून को कहाँ मौका लग सकता है। देखिए, आज जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है वो हुई है अपने सपोर्ट 23500 के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि 23500 एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा और निफ्टी की क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती तो यहाँ से मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता था, लेकिन निफ्टी एक सेफ जोन में क्लोजिंग दिया है 23550 के आसपास। अब यहाँ से क्या लेवल्स निकल के आते हैं, देखिए 100 पॉइंट्स का अप लेवल यहाँ से जिंदा है जो कि निकल के आता है 51650 के आसपास का, सॉरी 23650 के आसपास का। क्यों? क्योंकि अभी भी ए बी और सी पे जिन लोगों ने शॉर्ट क्रिएट की होगी वो मार्केट में जिंदा है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये 23650 का। अगर किसी वजह से कल मार्केट में ये ब्रेक होता है और मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप मार्केट के अगेंस्ट मत खड़े होइएगा, आप उसी समय एंट्री करिएगा कॉल साइड की। स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 23650 और रैली लगभग मेरे को पॉसिबल है तो 200 से 250 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी और एक्सपेक्टेड टारगेट हो जाएंगे 23900। लेकिन किसी वजह से मार्केट कल गैप अप होने के बाद में डाउन आता है तो आज की क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगी 23550। अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है तो आप उस साइड पर काम कीजिए और स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका कितना, 23570 के आसपास का, 23570 के आसपास का, और जो टारगेट रहेंगे आपके वो रहेंगे 23350 के आसपास के, लगभग 200 पॉइंट नीचे तक की रैली देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें टेक्निकल्स की तो एमएसडी मोमेंटम दिखा रहा है, मतलब रैली तो देखने को मिलेगी, कंफर्म है, ऑप्शन बायर को अच्छा पैसा बनेगा। और अगर हम बात करें आरएसआई की तो आरएसआई का स्लोप हल्का सा नेगेटिव है जो इस बात को दिखा रहा है कि कल मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है, और वीकनेस का मतलब एक ही पॉइंट निकल के आता है 23350। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 23550। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जुड़ जाइए। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस खुद से सीखना है तो आप हमारे टीम को व्हाट्सअप करिए 8840747884 पे। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त।